हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है, शरीर मिला है। जगदाधिपति जगदीश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव चोले को पाने का अवसर मिला है। इस धरती पर एकमात्र भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो पृथ्वी से सुंदर हैं, जो सूर्य से सुंदर हैं, जो चंद्रमा से सुंदर हैं, जो सागर सरिताओं नदियों से, जो वृक्ष लताओं से, औषधियों से, फूलों से, संसार के अंदर जितनी भी भगवान की रचना है, उन समस्त रचनाओं से जो सुंदर रचना है वो मनुष्य का, मानव का ये शरीर है, और वो हमें मिला है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? केवल मनुष्य ही धरती पर चमत्कार कर सकता है, केवल मनुष्य की बुद्धि में ही इस जगत के रहस्यों का प्रस्फुटन हो सकता है, केवल मनुष्य की बुद्धि में ही ये सारा जो विशाल विश्व भगवान की रचना है इसके रहस्य खुल सकते हैं। और केवल मनुष्य ही भगवान की इस विशाल विश्व रूपी रचना को जान सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त 1.84 लाख योनियों के अंदर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो इस जगत को समझ सके, जो इस जगत के विषयों पर, पदार्थों पर, वस्तुओं पर विचार कर सके। वो केवल और केवल मनुष्य हैं, केवल और केवल मानव हैं, और हम सब वो हैं। भगवान ने वेद का ज्ञान ऋषियों के हृदय में दिया, किस लिए दिया? कि मनुष्य इस वेद के ज्ञान को प्राप्त करके इस विशाल विश्व को जाने, स्वयं को जाने, जगत को जाने, अपने जीवन को जाने, अपनी चेतना, अपनी आत्मा को जाने, और स्वयं भी अपने आप को आनंदित करें, स्वयं भी अपने आप को सुखी करें, अपने परिवार को सुखी करें, अपने समाज को सुखी करें, अपने राष्ट्र को सुखी करें, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो इकाई से बढ़कर समाज के समूह तक पहुँचे, और समूह से बढ़कर वो नगर और देश तक पहुँचे, और देश से आगे बढ़कर वो पूरी धरती, पूरे विश्व तक पहुँचे, और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे जगत को दें। भगवान का वेद में ये संदेश है कि मनुष्य वो है जो कर्म करता है मनन करके, सोच करके, विचार करके, जिस कर्म का उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके आसपास के लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, वातावरण के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता हो, उन कर्मों को जो नहीं करता वो मनुष्य हैं। जो करता है, दूसरों को, समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को जो करता है वो मनुष्य के शरीर में होता हुआ भी पशु हैं। वो अज्ञान के पाशों से, अज्ञान के बंधनों से बंधा हुआ है। अज्ञान के पास क्या हैं, अज्ञान के बंधन क्या हैं? अविद्या है। अविद्या कहाँ से पैदा होती है? अविद्या कहाँ से चलकर आती है? मनुष्य के आलस्य से, मनुष्य के प्रमाद से। मनुष्य जब दूसरों की अच्छी बातों को नहीं सुनता, जब विद्वानों के चिंतन को नहीं पढ़ता, और जब ईश्वर के वेदवाणी को नहीं पढ़ता, तो उसके अंदर अविद्या चली आती है, उसके अंदर अज्ञान चला जाता है। जिसने वेदों को पढ़ा है, जो वेदों के अनुसार भगवान का चिंतन मनन करता है, जो अपने परिवार का निर्वहन, परिवार का भरण पोषण वेदों के आदेश के अनुसार करता है, उसके जीवन में न शराब आती है,
न उसके जीवन में मदमास आता है, न उसके जीवन के अंदर अंडा मछली आता है, न उसके जीवन के अंदर अहंकार द्वेष आता है। उसका जीवन दिनों दिन बदलता चला जाता है, चमकता चला जाता है और नीचे से ऊपर उठता चला जाता है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं दुरितानि परासुवर यद भद्रम तन्न आसुवर। दुरितानि परासुवर यद भद्रम तन्न आसुवर। मनुष्य किस प्रकार की प्रार्थना करने वाला हो, मनुष्य किस प्रकार की याचना करने वाला हो, मनुष्य किस प्रकार की भावना रखने वाला हो, मनुष्य किस प्रकार के व्रत लेने वाला हो, मनुष्य किस प्रकार के संकल्प लेने वाला हो, प्रभु कहते हैं दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेने वाला हो। मनुष्य का स्वभाव, उसका चिंतन ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छाइयों को जीवन में लाने का व्रत लेने वाला हो और उन व्रतों का पालन करने वाला हो, उन पर दृढ़ संकल्पित होकर अपने आप को समर्पित करने वाला हो। तब उसके परिवार का निर्माण होता है, तब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, तब उसके समाज का उत्थान होता है, तब उसका परिवार, समाज, देश और राष्ट्र वसुदैव कुटुंबकम की भावना की ओर जाता है। तब सारे देश में सभी और परिस्थितियों में आनंद होता है, खुशियां होती हैं, अमन चैन होता है, सुख होता है, वैभव होता है, शांति होती है, सौहार्द होता है, आपस में प्रेम भाईचारा बंधुत्व होता है, भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, बहन बहन के बीच में प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच में विश्वास मर्यादाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अंदर परम समर्पण होता है। लेकिन कब? जब व्यक्ति के अंदर ये भाव जागे, ये प्रार्थना के भाव उठें, इस प्रकार के वह चिंतन वाला हो कि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जब मनुष्य इस प्रार्थना से दूर चला जाता है, इस प्रार्थना का उल्लंघन करता है, तो समाज में परिस्थितियां बदलती हैं। वेद पढ़ लेने से, वेद जान लेने से और वेद के अनुसार जीवन का निर्माण, जीवन को वेद के राह पर न चलाने से आदमी के भीतर अहंकार पैदा हो जाता है। और आदमी जब वेद के आदेश का, वेद के निर्देश का पालन अपने जीवन में नहीं करता, तो उन परिस्थितियों के अंदर, मानव के अंदर अभिमान पैदा हो जाता है। और महाभारतकार भगवान वेदव्यास कहते हैं जिस मनुष्य के भीतर अभिमान पैदा हो जाता है, वो मनुष्य उसका और उससे जुड़े सभी लोगों का और उससे जुड़ी हुई आसपास की सारी व्यवस्थाओं का विनाश कर देता है। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं अभिमान सर्व विनाशक, अभिमान सब कुछ का नाश कर देने वाला तत्व है। यही अभिमान कभी लंकापति रावण के भीतर पैदा हुआ था, लंकापति रावण दशानंद के भीतर पैदा हुआ था, उस वो दसों शास्त्रों का ज्ञाता था, प्रकांड विद्वान और पंडित था, लेकिन उसके अंदर मनन नहीं था, चिंतन नहीं था, वो इस प्रार्थना से जुड़ा नहीं था, इस प्रार्थना के प्रति समर्पित नहीं था, उसके जीवन में आचरण नहीं था, ज्ञान था लेकिन व्यवहार नहीं था, उसके कारण उसके भीतर अभिमान पैदा हो गया। यद्यपि वो ऋषियों की संतान था, ऋषियों की संतान था और उसके भाई भी प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभिमान ने उसको गलत रास्ते पर धकेल दिया। हमारे भीतर भी जब तमोगुण बढ़ता है, हमारे घर, हमारे अंदर भी जब अभिमान सिर उठाता है, तो हमें भी पतन के रास्ते पर धकेल देता है। दुर्योधन इस बात का गवाह है, वो कहता है जानामि अहम धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं क्या करूँ। जानामि अहम अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूँ, अन्याय को जानता हूँ, मैंने भी गुरुकुल में रखकर
शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, दर्शनों का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया है, वेदांगों का अध्ययन किया है, लेकिन सबको जानने के बाद, सबको पढ़ने के बाद में भी धर्म के अंदर मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी प्रवृत्ति, अधर्म से मेरा मन निवृत्त नहीं है, अधर्म में मेरी निवृत्ति नहीं है। दुर्योधन की ये स्तुति, क्योंकि दुर्योधन के अंदर तमोगुण, दुर्योधन के अंदर अभिमान, दुर्योधन के अंदर अहंकार बढ़ गया, और जिसके भीतर अहंकार बढ़ जाता है वो अहंकार उसके साथ में उसके कुल का भी विनाश कर देता है, और यही लंकापति रावण के साथ में हुआ। मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में आपसे अनुरोध करूं, उससे पहले जो एक घटना घटी उस घटना पर बात कहूंगा, उस घटना पर आपसे अनुरोध करूंगा। आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को धरती की आवश्यकता क्यों पड़ी, और माता कौशल्या ने रामचंद्र जैसे वीर पुत्र का, ऐसी दिव्य आत्मा का उस विधाता से आह्वान क्यों करना पड़ा? उसके पूर्व की जो परिस्थितियां हैं, उन पूर्व की परिस्थितियों को समझेंगे तो आपको सारी कहानी याद आएगी। और जो मुनिवर वाल्मीकि ने नारद मुनि से कहा, मुझे ऐसा महान व्यक्ति बताओ जिसके अंदर इस प्रकार के भांति भांति के गुणों की वहां पर उन्होंने झड़ी लगाई, और मुनि वाल्मीकि की बात को सुनकर मुनि नारद ने कहा कि महर्षि, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके अंदर आप जिन गुणों की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। वहां से फिर मुनि वाल्मीकि का आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बने, और उनको उनकी फिर उन्होंने जीवनी लिखना प्रारंभ किया। क्यों जीवनी लिखी, क्या आवश्यकता थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी लिखने की? क्या उसके पहले, उनके पहले इक्ष्वाकु कुल के अंदर और कोई महापुरुष नहीं थे? उनकी भी तो जीवनी लिखी जा सकती थी, लेकिन नहीं। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को राम की आवश्यकता थी, मर्यादा पुरुषोत्तम की आवश्यकता थी, एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जो पूरी धरती पर पुत्र के स्वरूप को आकाश में चमकते सूर्य की तरह दीप्यमान कर सके, एक आदर्श पुत्र का चरित्र प्रस्तुत कर सके। उस समय की परिस्थितियों को एक ऐसे पति की आवश्यकता थी, एक ऐसे पिता की आवश्यकता थी, एक ऐसे भाई की आवश्यकता थी जो एक आदर्श का समाज के अंदर उदाहरण प्रस्तुत कर सके। भयंकर बुरी परिस्थितियां थी जब रावण के भीतर अभिमान ने जन्म लिया। रावण ने उस अभिमान को धारण करके, अभिमान के अंदर चूर होकर, अंधे होकर धरती पर अन्याय और अनीति को निरंतर बढ़ा दिया था। धीरे धीरे धरती पर लोग त्राही माम ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि किसी तरह इस दुरात्मा का, इस दैत्य का नाश हो और धरती को त्राण मिले, धरती को इससे मुक्ति मिले। बहुत बुरी परिस्थितियां उस समय समाज में थी जिस समय रावण का अत्याचार धरती पर आकाश को छू रहा था। इन सारी परिस्थितियों को ऋषि लोग, राजा लोग देख रहे थे, और उन दिनों गुरुकुल के अंदर महर्षि तत्वमुनि के कन्या गुरुकुल के अंदर कौशल देश की राजकुमारी माता कौशल्या अध्ययन कर रही थी दर्शनों का, दर्शन शास्त्रों का। एक दिन उस देवी के मन में आता है और आकर अपने गुरुजी को जाकर कहती है, महर्षि तत्वमुनि उस समय 285 वर्ष के थे, और महर्षि तत्वमुनि के श्री चरणों में जाकर माता कौशल्या कहती हैं कि हे गुरुदेव, हे पूज्यवर, मेरे मन में बार बार एक भाव आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि उस भाव को मैं आपके श्री चरणों में अर्पण करूं और आप मेरा मार्गदर्शन करें।
गुरु जी ने कहा, पुत्री कहो तुम्हारे मन में क्या भाव उदित हो रहा है। माता कौशल्या ने कहा, पूज्यवर बार बार मेरे हृदय में एक भाव आ रहा है कि मैं विवाह नहीं करूँगी, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊँगी, मैं तो शास्त्रों का अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके, अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करके अपनी आत्मा को जानूंगी, उस परमात्मा को जानूंगी और इस जीवन को सफल बनाऊंगी। गुरुदेव ने कहा, ततास्तु पुत्री, जैसा चाहती हो वैसा करो, मुझे भी तुम्हारा स्वप्न, तुम्हारा भाव सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब मुनि तत्व मुनि ने ये बात अपनी शिष्या प्रिय पुत्री कौशल देश की राजकुमारी माता कौशल्या को कहा, तो वो इस संकल्प को धारण करके, अपने मन को इस संकल्प में दृढ़ करके और वहाँ से चलती हैं और इस संकल्प के साथ में आगे अध्ययन करने लगती हैं। और देखिए, कुछ दिनों के बाद में उसका ये संकल्प उन समाज की उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए डगमगाने लगता है, सब ओर से आवाज़ें आने लगती हैं। ऋषि मुनियों के यज्ञ याग जो वायुमंडल की शुद्धि के लिए और समाज के कल्याण के लिए हुआ करते थे, घर घर के अंदर और बड़े बड़े अनुष्ठान हुआ करते थे, उन अनुष्ठानों को दैत्य राज, रावण के राक्षस नष्ट कर दिया करते थे, उनमें हड्डियां, मांस और लहू डाल दिया करते थे, ऋषि मुनियों का खून पीते थे, ऋषि मुनियों को शांति से लोक कल्याण के कार्य करने नहीं दिया करते थे। धीरे धीरे वो चित्कार गुरुकुल के अंदर पड़ रही माता कौशल्या के तक भी पहुंची, उसके कानों में भी पहुंची। जब उस देवी ने समाज के इस चित्कार को और धरती के इस त्राहिमाम को सुना, तो उसके हृदय में एक बार फिर से भावनाओं ने जन्म लिया और अपने किए उस संकल्प को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद में उस देवी से रहा नहीं गया और वो वहाँ से चलकर फिर अपने गुरुदेव के पास में, महर्षि तत्वमुनि के पास में आकर कहती हैं, पूज्य गुरुदेव, मेरे मन में फिर से एक नया संकल्प बार बार हिलोरे मार रहा है और मेरी आत्मा को झकझोर रहा है, बार बार मेरे मन के उस भाव को मुझे आपके सन्मुख कहने के लिए मेरा आत्मा प्रेरित कर रहा है। गुरुदेव ने कहा, पुत्री कहो तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है। माता कौशल्या ने कहा, पूज्यवर, जो गुरुकुल के अंदर बाहर के विद्वान आकर उपदेश देते हैं, उन विद्वानों से सुनने को मिल रहा है कि धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, ऋषि मुनि त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी धरती पर राक्षस राज रावण का अत्याचार फैल रहा है और सब ओर से वैदिक कार्यों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हे तात, बार बार मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं विवाह करूंगी और मैं ऐसी दिव्य आत्मा का धरती पर आह्वान करूंगी जो इस अत्याचारी के अत्याचारों के साथ में इस अत्याचारी का जड़मूल से विनाश कर दे। जब ये बात माता कौशल्या ने अपने गुरुदेव महर्षि तत्व मुनि के श्री चरणों में रखी, तो तत्व मुनि गदगद हो गए और आंखें भीग उठी। वह पुत्री, मेरे गुरुकुल के अंदर, मेरे कन्या गुरुकुल के अंदर तुम्हारी जैसी राष्ट्र का हित चाहने वाली विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रही है, इस तत्व को जान करके, इस वार्ता को जान करके मेरा मन अत्यंत हर्षित हुआ। तथास्तु पुत्री, जैसा चाहती हो वैसा करो। महानुभाव, कौशल देश की राजकुमारी ने उस संकल्प को अपने गुरुदेव के सामने वर्णन किया और उसके बाद में क्या क्या उनके जीवन में घटना घटती हैं और ये घटनाएं मिलकर किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को धरती पर लाने के लिए वातावरण बनाती हैं, उनकी चर्चा में कल आपसे अनुरोध करूँगा।